हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंसेंट और फ्री कंसेंट पर चर्चा करेंगे। कंसेंट को डिफाइन किया गया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 13। सेक्शन 13 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है, टू आर मोर पर्सन आर सेट टू कंसेंट व्हेन दे एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। कोई भी दो व्यक्ति एक ही बात पर, कोई भी दो व्यक्ति आपस में एक बात पर सहमत होते हैं जब वो एक ही बात पर एक ही भाव में सहमत होते हो, अर्थात वो एक ही अर्थ में एक दूसरे से सहमत हो, तब उसको कंसेंट कहते हैं। इसके बाद आती है फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट को डिफाइन किया गया है सेक्शन 14 में। तो कॉन्ट्रैक्ट के जो इसेंशियल एलिमेंट बताए गए हैं सेक्शन 10 में, उसमें कंपीटेंट पार्टीज के बाद फ्री कंसेंट आता है। तो कंसेंट, फ्री कंसेंट कॉन्ट्रैक्ट का एक इसेंशियल एलिमेंट है। अगर कॉन्ट्रैक्ट में कंसेंट फ्री नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट, वो एग्रीमेंट वाइडेबल एग्रीमेंट होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए जरूरी है कि कंसेंट फ्री कंसेंट हो। और कंसेंट फ्री कब होगी? कंसेंट फ्री होती है, ये कहता है सेक्शन 14, कंसेंट इज फ्री इफ इट इज नॉट कास्ट बाई, सम्मति स्वतंत्र सम्मति है अगर ये कारित नहीं की गई है कोअर्शन के द्वारा, जिसको परिभाषित किया गया है धारा 15 में, अंडू इन्फ्लुएंस के द्वारा, जिसको परिभाषित किया गया है धारा 16 में, फ्रॉड के द्वारा, जिसको परिभाषित किया गया है धारा 17 में, मिसरिप्रेजेंटेशन के द्वारा, जिसको परिभाषित किया गया है धारा 18 में, मिस्टेक के द्वारा, जो कि धारा 20 से लेकर 22 तक है। कुल मिला के अगर इनमें से किसी एक में आती है कोअर्शन, अंडू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन से कंसेंट काज की गई है, तो वो कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं मानी जाएगी, वो सम्मति स्वतंत्र सम्मति नहीं मानी जाएगी। तो अर्थात स्वतंत्र सम्मति को स्वतंत्र होने के लिए इन सब से मुक्त होना चाहिए। अगर इन सब से मुक्त है तो वो फ्री कंसेंट है। अगर इनमें से कोई भी एक कोअर्शन से, कोअर्शन, किसी कोअर्शन का मतलब किसी व्यक्ति को, सामान्य अर्थों में कोअर्शन का मतलब किसी व्यक्ति को डरा धमका कर अगर कंसेंट पाई गई है, या अंड्यू इन्फ्लुएंस मतलब असम्यक असर उसके ऊपर अंड्यू इन्फ्लुएंस डाल करके पाई गई है सम्मति, या किसी के साथ प्रवंचना करके, किसी को धोखा दे करके सम्मति प्राप्त की गई है, या किसी के साथ मिसरिप्रेजेंटेशन मतलब किसी को कुछ गलत इंफॉर्मेशन, गलत जानकारी दे करके सम्मति प्राप्त की गई है, या किसी ने गलती से सम्मति दे दी है, तो वो सम्मति स्वतंत्र सम्मति नहीं कहलाती है। तो ये हमारा एक जनरल इंट्रोडक्शन था। इस पे वन बाय वन हम अपने अगले लेक्चर्स में चर्चा करेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में। ये वीडियो हमारा पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, अन्य लोगों के साथ शेयर कीजिए। हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।